जय हिंद दोस्तों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है औसत चाल पर आधारित। औसत चाल में क्वेश्चन ने लिया है, एक बस ए से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बी से सी तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। यदि ए से बी और बी से सी तक की दूरी 150 किलोमीटर है, आइए आपको ग्राफ के माध्यम समझाएं। ए से बी और बी से सी, माने ए से बी जाने में और बी से सी कितना यात्रा करना पड़ता है, 150 किलोमीटर ए से बी के लिए और 150 किलोमीटर ही बी से सी के लिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ए से चलने का जो रफ्तार है कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 20 से रफ्तार जो चलने का है बस का था वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। करक पूरे यात्रा में औसत चाल बस की क्या है, तो यहाँ पर दूरी का दोनों की दूरियाँ अगर समान है तो ऐसे स्थिति में दूरी का कोई यूज नहीं होगा, हम ट्रिक से फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रिक क्या होता है, अभीष्ट औसत चाल जो हम चाहते हैं है ना, अभीष्ट औसत चाल कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है, हम लगा सकते हैं 2xy/x+y, ये फॉर्मूला है। x का मतलब पहला रफ्तार और y का मतलब दूसरा रफ्तार। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दूरियां दोनों समान हो, मतलब 2 × x, x मान कितना है 30, पहला रफ्तार 30 और दूसरा रफ्तार कितना है 20, अपान कितना हो जाएगा, फिर दोनों का सम 30 का जोड़ेंगे 20 में, आई कर लिया जाए, इसको कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 का 30 से करेंगे 60 और 60 का करेंगे 20 से क्या करेंगे 120, माने 1200 कितना आ जाएगा 1200, और नीचे कितना हो जाएगा 30 20 50, 100 कट गया, 5 काटेंगे, 5 × 10, 5 × 20, मान इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, औसत 24 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा, जिससे अगर इस रफ्तार से अगर का बस मूव करें तो पूरी यात्रा को आसानी से उतने समय में ही तय कर लेगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।